यार बहुत बोरिंग बोरिंग हो रहा है। तुम्हारे सर्दियों की छुट्टियों का क्या प्लान है? पूरी सर्दी बस इस कंबल में बैठना है। अबे यार कुछ तो करना चाहिए ना। पता है तुम्हें राहुल और शिवम भी गोवा गए घूमने और डिक्रो डिक्रो तो शिमला गया है, शिमला, और हम ही बैठे हुए हैं ऐसे कंबल में। हा? यार अपन भी चलते हैं ना कहीं घूमने। हाँ तो चलते हैं ना कहीं, हम भी घूमने चलते हैं। हाँ तो बताओ कहाँ चलना है? शिमला ही चलते हैं। नहीं यार शिमला में ठंड बहुत है। तो एक काम करते हैं, हम गोवा चलते हैं। गोवा में कुछ महीने पहले यूके आई हूँ। बताओ ना कहाँ पर चलें यार, मतलब ऐसी जगह बताओ जो थोड़ी खुफिया हो, थोड़ी सी भूतिया हो। ओए खुफिया तो ठीक है लेकिन भूतिया नहीं होनी चाहिए। जब पता है ना मुझे डर लगता है। डरपोक है यार, कितनी बड़ी डरपोक है ये। यार जो भी हो एडवेंचरस होनी चाहिए बस। हाँ सोचो सोचो ऐसी कौन सी एडवेंचरस जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। गैस मेरी नानी की ना पुरानी पुश्तैनी हवेली है जो ना पिछले 15-20 सालों से बंद है, और वहाँ पे कहा जाता है जो भी जाता है ना वो वापस लौट के नहीं आता है। अब तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे यार हम जाएंगे, सोच इससे ज्यादा खुफिया और भूतिया जगह कौन सी होगी। मजा भी बहुत आएगा और ऊपर से मेरी नानी का पता भी चल जाएगा कि मेरी नानी क्या थी, कौन थी, क्या करती थी, सब कुछ पता चल जाएगा। और आखिर उस हवेली में ऐसा है क्या? अरे पागल सोचना, अगर हम तीनों ने उस हवेली में एंटर करा और उसके बाद एग्जिट भी कर लिया तो सोचो सोचो न्यूज हेडलाइन में आएगा, तीन लड़कियों ने, अरे नहीं नहीं तीन बहादुर लड़कियों ने उस हवेली में एंटर भी करा और एग्जिट भी करा, वो भी जिंदा रहते हुए। मतलब उन्होंने उस हवेली का राज खोल दिया कि वहां पे कोई भूत वूत नहीं है, सब अफवाहें थी, अफवाहें। फेमस हो जाएंगे, फेमस फेमस जब ऊपर जाएगी ना तब अपने आप फेमस हो जाएगी। पागल कहेगी नहीं जाएंगे हम। अरे कुछ नहीं होता है सत्य को, चलना है तो बोल वरना बैठी रहेंगे पर। अपनी सर्दियां ना ऐसे ही बोरिंग कंबल में बैठ के टीवी देखते हुए यूं ही बिता। ठीक है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जा। यार लेकिन फिर मैं अकेले क्या करूंगी? मैं भी चलूंगी। ठीक है चलियो। हाँ लेकिन पहले मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी फिर बताऊंगी। अरे तेरी मम्मी का तो मैं बता दूंगी। हाँ तेरी मम्मी के लिए तो हम दोनों ही काफी है। एक बार बोलना आंटी जी प्लीज काजल को हमारे साथ भेज दो, और आंटी कहेगी ले जाओ बेटा तुम दोनों के साथ ही तो जा रही है। ठीक है लेकिन देख लो कहीं हेडलाइन की जगह डेडलाइन ना बन जाए हमारी। तो जल्दी बताओ कब चलना है? मेरा बस चले तो अभी चलो। अरे नहीं 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 अभी नहीं, एक काम करते कल चलते हैं। हाँ कल सुबह चलेंगे। हाँ कल सुबह 7 बजे ठीक है? ओके तो अभी सो जाते ना, सुबह तुम लोगों को घर जाके पैकिंग भी तो करनी है अपनी अपनी। हाँ पैकिंग भी तो करनी है। सो जा। पागल है क्या? चलो ना। नहीं यार मुझे रहने ही जाना यार, मेरे को डर लगता है। मैंने बोल दिया ना चल रही है चल। नहीं मुझे नहीं जाना यार, नहीं जाना मुझे यार। अरे क्या हो गया? अरे देखना तब से बकवास कर रही है, भूत होगा वहां पे, मम्मी डांटेगी, मैं नहीं जाऊंगी। खींच के लेके आई हूँ इसे। यार वहाँ पे चुड़ैल हुई तो तेजू। अरे काजल भूत प्रेत चुड़ैल ये कुछ भी नहीं होता है, ये बस अफवाहें अफवाहें। नहीं नहीं चुड़ैल होती है ये, घड़ी मेरे बराबर में चुड़ैल, ये भी तो चुड़ैल है। अरे तुम चुड़ैल साथ लेके जा रहे हो ना तो भूत से क्या डरता है? हाँ पागल हो गया तू, और वैसे भी सोचना कितना एडवेंचर होगा, कितना मजा आएगा उस ट्रिप पे। खींच इतना। हाँ बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं तेजू मुझे डर लग रहा है यार, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बहुत मजा आने वाला है काजल, ट्रिप इतनी मजेदार होगी ना पूरी एडवेंचर भरी। सोच उस हवेली में कोई भी नहीं जाता और उस हवेली में सिर्फ और सिर्फ हम तीनों जाएंगे, और अगर उस हवेली में कुछ भी नहीं निकला तो हमारा नाम बन जाएगा टीवी में, आएंगे हम हेडलाइन में। नहीं यार तेजू वहाँ कोई भी नहीं जाता तो हम क्यों जा रहे हैं? देख यार कोई नहीं जाता तो उससे हमें क्या मतलब, हम तो जा रहे ना हमें उससे मतलब है। और सोच वो ना मेरी नानी का पुराना घर है तो क्या पता मेरी नानी अंदर कुछ छोड़ के गई हो, है ना चेतना? वैसे भी काजल जब चुड़ैले होती है ना कभी कभी बता देती कि खजाना कहाँ है। हाँ, और क्या पता मेरी नानी मेरे लिए बहुत सारा खजाना छोड़ के गई है। खजाना नहीं चुड़ैल में गई तो क्या करेंगे हम? अरे चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता, बोला ना कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ मूवीज में नहीं होता है देखते जो, और रियल लाइफ में सब कुछ होता है। अरे तूने भूलभुलैया मूवी देखी है? हाँ देखी है। तो उसमें पंडित ने दरवाजा बंद करा होता है। हाँ बंद क्या होता है? तो वो जब उसे खोलते हैं। हाँ खोलते हैं तो उसमें कुछ निकलता है? कुछ नहीं निकलता। तो फिर वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यार कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। होते हैं यार वो मूवी है। चेतना मैं इसको मार दूंगी, देख मेरे को रोक ले, मैं इसको मारूंगी। कंट्रोल काजल तू ट्रिप पे जा रही है और जा रही है, अगर तेरे को नहीं जाना तो जा निकल निकल। नहीं नहीं देखो मंजिल फालतू के नखरे करती है यार, अब चले।
चलो 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 चल बैठ अंदर। क्या हो गया इसको? अरे कहाँ जा रही है? अबे ये क्या कर रही है? चलते हैं लोपन में ना चुके। अरे चले अब शाम हो जाएगी नहीं तो। अरे हाँ और किसी ने देख लिया ना पागल समझेगा मैं ऐसे नाचते हुए। चलो चलो। ओहो हेलो कहाँ? क्या हेलो मैं आगे बैठूंगी। मैं बैठी थी ना तो मैं ही बैठूंगी। मैं आगे बैठूंगी इस बार। अरे रुक जाओ मत लड़ो। बैठूंगी मैं बैठूंगी आगे मैं बैठूंगी आगे। बस 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 चेतना हमारी बात सुन। जब से तू आगे तू ही बैठी थी अब इसको बैठने में। जब से तू बैठी थी अब मैं बैठूंगी आगे। तू पागल है क्या काजल? यार इसका हर बार का हो गया है। एक रास्ता नहीं बता सकती। तूने इतना इम्पोर्टेंट टर्न मिस करवा दिया। अब तेरे को पता है कितनी दूर जाके यू टर्न आएगा? 4-5 किलोमीटर बाद जाके आएगा। यार तेजू सॉरी ना यार तेजू तू तो मुझे समझती है ना तेजू। अबे यार इसका एक तो रोना बंद करो। रोती रहती है जब देखो। मैं ही डायरेक्शन देती हूँ। अब बता आगे से कहाँ लेना है? अभी तो सीधा ही चलना है। सीधा चल फिर ठीक है। मैं तो बोल रही थी कि मुझे आगे बैठे तो मुझे डायरेक्शन देखना है। लेकिन नहीं तू तो इतनी देर से आगे बैठी हुई है चेतना इसको बैठने दे। हाँ तो तू जब से बैठी हुई थी मतलब तेरा क्या काम आया? आगे जो बैठता है ना उसे डायरेक्शन भी देखना होता है म्यूजिक भी देखना होता है। अभी यार अब तुम दोनों ना लड़ना बंद करो। अब तुम्हारी वजह से हम रात को पहुंचेंगे। यार तेजू यही लड़ती रहती है मुझसे हमेशा। चुप हो जा यार काजल। ये भी है ना एक तो। अबे यार ये दोनों सो गई आलस फैला रही है मेरे को भी नींद आ रही है। पहुंच गए। तू पागल है क्या? तुझसे गाड़ी ढंग से नहीं चलाई जाती। अरे पहुंच गए हम। अरे तुम दोनों बकवास बंद करो और आके देखो कौन है। ये कौन है तेजू? यार प्लीज चल के देखते कहीं इसको कुछ हो ना गया हो। तेजू चल इसकी हेल्प करते। नहीं 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 तेजू हम नहीं जाएंगे। मम्मी मना करते किसी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा मम्मी तो ये भी कहती है कि औरों की मदद करनी चाहिए। चलो अब अगर इसको मेरी वजह से चोट लगी होगी तो हमें चल के देखना पड़ेगा यार चेतना। चल काजल। नहीं तेजू रहने देते ना हम वापस चलते हैं। चल चुपचाप। तेजू आप ठीक तो? आपको लगी तो नहीं? सॉरी वो गलती से मैंने देखा नहीं था नींद आ रही थी मुझे। तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहाँ मत जाओ वहाँ पर बहुत खतरा है। अबे तूने गाड़ी से सर में ठोक दी थी क्या? क्या फालतू की बातें कर रहा है? पता नहीं यार मुझे। आप बस ये बताओ कि आप ठीक हो या नहीं ठीक हो। वहाँ पर जो भी जाता है वो जिंदा नहीं लौटता वहाँ से। तेजू घर चलते। तेजू तेजू वहाँ खतरा है। तेजू घर चलते ना। घर चलते यार हम। आप पागल वागल हो क्या? आप बस मुझे इतना बताओ कि आपको लगी तो नहीं मेरी वजह से? मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। बाकी तुम्हारी मर्जी। यार तेजू यार ये तो बताते कि इसको चोट लगी या नहीं लगी। नहीं लगी होगी तभी तो चलती गया। तेजू फिर चलते हैं। चुप करो यार प्लान कैंसिल नहीं कर सकते। चलो चलो you
ये है मेरी नानी का घर, बहुत बड़ा है यार। तेजू अभी भी देर हुई है, हम वापस चलते हैं। इसको मारूं मैं या तू मारी है? अरे छोड़ ना, इग्नोर कर। वैसे घर तो बड़ा अच्छा है यार, पर बस थोड़ा पुराना हो गया है। कितना डरावना है तेजू, वापस चलते हैं ना। चुप कर तू। अरे नहीं जा सकते। देखा देखा, जितना भी मेरी साइड है, चलो वापस चलते हैं। चलो, बंद है गेट इसलिए नहीं जा सकते। अरे तो क्या हो गया, लॉक तो खोल लेंगे, मतलब बंदी तो है, खुल जाएगा। वैसे भी बंद है इसलिए तो कोई जाता नहीं है, हमें ही खोलना पड़ेगा। चलो हाँ चलो चलो। अरे सामान सामान तो निकाल लो। जा तू भी अपना सामान ले। गाइस लग तो डरावना रहा है, एडवेंचरस तो ट्रिप होने वाली है हमारी। हाँ तेजू बहुत डरावना है, चलो वापस चलते हैं यार। चुप कर अब तू, चुपचाप खड़ी रह, कुछ नहीं बोलेगी। तू के काजल की तरह डरपोक हो रही है, इतना अच्छा तो है, बड़ा सा आलीशान। हाँ अच्छा तो है, और मैं डरपोक नहीं हो रही, मेरे को डर वर नहीं लगता। तू पागल है कि मैं क्यों डरूंगी, वो तो इसके कारण डर रही थी मैं। अब तो चले फिर। हाँ चलो यार, मैं कह रही हूँ अभी भी देर नहीं हुई है। धागा, ये पक्का वही धागा होगा जो पंडित जी ने बांधा था। कोई नहीं खोल देते हैं, अंदर तो जाना ही है। डरावना घर है। हाँ बहुत डरावना है ये यार, मिट्टी भी कितनी जमी हुई है। कुछ टाइम में ना पुराना घर है। अरे यार ये तो वही है, वो जो हमारी गाड़ी के आगे आया था। हाँ ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा तू यहाँ पे? मैं यहीं रहता हूँ। यही रहता हूँ क्या मतलब है तुम्हारा? दरवाजा तो बंद था ना, और ये हवेली तो 15-20 सालों से किसी के लिए नहीं खुली, तो तुम यहाँ पे कैसे रहते हो? तुम्हें मैंने यहाँ आने से मना किया था ना, तुम यहाँ फिर क्यों आए? अब जो भी होगा तुम्हारे साथ वो बहुत बुरा होगा। यार ये ऐसे चला क्यों रहा है, इतना ड्रामा है। अरे बहुत बोर, तुझे एक बात बता, ये घर तो तेरी नानी का है ना, ये यहाँ कैसे रहे? हाँ नानी का ही घर है, मेरी मम्मी ने बताया था कि नानी की पुश्तैनी हवेली इधर ही है, इसी गांव में। पूछती हूँ मैं अभी, पर मैं इसको सवाल कैसे करूँ, बहुत डरावना लग रहा है। अरे पूछना। अबे ओ तू घर में कैसे रह रहा है? हाँ वो भी इतने अंधेरे में। मैं अंधेरे में जरूर रहता हूँ, लेकिन मुझे दूसरों का अंधेरे में ढकेलने का कोई शौक नहीं। क्या मतलब है इसका? बता नहीं, मैंने तो कहा था यहाँ पर मत आओ, तुम दोनों ने इज्जत की थी, आओ अब फंस गए ना। कुछ नहीं फंसा, चुप कर तू। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुम यहाँ फिर आ गए। हम तो इसी घर पे रहेंगे, ये इसकी नानी का घर है। हाँ। अच्छा तुम्हारी नानी का घर है, तुम कस्तूरी देवी की नातिन हो? हाँ मैं कस्तूरी देवी की नातिन हूँ। वैसे इस घर में जो आया है वो वापिस नहीं गया है, लेकिन तुम कस्तूरी देवी की नातिन हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें रहने दे रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? पहले तो मना कर रहा था, अब कह रहा रह लो।
पता नहीं ये कहाँ गया? तेजू ये कहाँ गायब हो गया? यहीं कहीं गया होगा यार बाहर सोने। लेकिन ऐसे गायब हो के वो जल्दी भाग गया होगा, हमें पता नहीं चला होगा। और वैसे भी ना इस घर पे सब नॉर्मल है, अगर सब नॉर्मल नहीं होता तो हमें यहाँ पे रहने क्यों देता है ना। ये तो बाद में पता चलेगा कितना नॉर्मल है यहाँ पे रहना। अरे सब ठीक है, एक काम करते हैं, लेट बहुत हो गया, हम ना जाके सो जाते हैं। हाँ चलो। जा रहा होगा, ऊपर खींच के सो जा। यार ये तो मेरे कभी बात ही नहीं सुनती है, मैं तेजू को ही बोलती हूँ वही मेरी बात सुनती है हमेशा। तेजू 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 का गायब हो गई। चेतना चेतना यार उठना है यार, तेजू गायब है, तेजू कहाँ चली गई? बस देखने आया था कि तुम हो या गए। अबे यार तू ना आया मत कर हमारे कमरे में, और वो सब छोड़, ये बता कि तूने हमारी दोस्त को देखा है, तेजस्वी को? वो वहाँ नीचे गई थी। नीचे नीचे क्यों गई होगी वो? चल भाई चल के देखते हैं। अरे यार कहाँ देखा था तूने तेजू को? मैंने उसे यहीं देखा था। यहाँ तो इतना अंधेर है, ढूंढना तो पड़ेगा। चल उधर जाकर ढूंढती हूँ। आप भी ढूंढो तेजू को। तेजू तेजू कहाँ है यार ये लड़की? तेजू तेजू यार तुम सब मारी जाओगी। तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती करी है मेरी कुश्तानी बंगली में आके। तू ना डर गया, देखिए जगह पूरी राम नहीं है, इसी तरफ ऐसा लगा।
हाँ अभी चल कर सोते हैं यार, मैं भी पता नहीं यहाँ पर कैसे अभी। अरे यार देखो नींद में चलने की बीमारी है, आ जाओ चलते चलते। हाँ चलो अभी सोते हैं यार, बहुत लेट हो गया, नींद आ गई बहुत। ये तो कहानी की शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हा 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 हा।